एसएचओ हरोली के तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर किए गए भाजपा के प्रदर्शन को हरोली कांग्रेस ने मात्र ड्रामेबाजी करार दिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरोली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद बिट्टू ने सीधे सीधे औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष पर नशा खनन और वन माफिया को संरक्षण देने के आरोप जड़े हैं। विनोद बिट्टू ने कहा, ये तो सिर्फ प्रोफेसर राम कुमार की ड्रामेबाजी है, इसके अलावे कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर राम कुमार हमेशा हरोली की जनता को गुमराह करते आए हुए हैं। इन्होंने पहले भी चुनावों में दो नारे लगाए थे, खनन माफिया हटाऊंगा, नशा माफिया हटाऊंगा। वो कहाँ गए खनन माफिया के नारे, वो कहाँ गए नशा माफिया के नारे। आज पूरी हरोली की जनता के साथ साथ जिला ऊना की जनता भी जानती है कि सुवान नदी का बहुत बुरा हाल किया है माफिया ने, और उसमें सीधी सीधी इसकी हिस्सेदारी है प्रोफेसर राम कुमार की। आज जो नशा माफिया के बारे में बोल रहे हैं जे कि हमने पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अरे भाई आपने तो दिन रात उसको छुड़वाने के लिए एक कर दी। जो विजय कुमार कम्मी अरेस्ट 25 दिन के बाद हुआ, उसको छुड़वाने के लिए आपने दिन रात एक की, और बाद में आप जो है लोगों फिर गुमराह करने लगे। क्योंकि मेरे पास फोटो है, ये देखिए, ये विजय कुमार कम्मी राम कुमार के साथ है बिल्कुल। और ये पहले इसके पास शराब का ट्रक पकड़ा गया, अब इसके पास तारा क्वांटल जो है बुक्की पकड़ी गई। ये विजय कुमार फेसबुक में क्या लिखते हैं, जो काम मुकेश अग्निहोत्री नहीं कर पाए वो राम कुमार कर पाए। आज देखिए राम कुमार के गुणगान तो ये करेगा ही। आज तो सीधी सीधी बात है, हरोली की जनता आम कहने लगी हैं कि चाहे खनन का काम हो, चाहे वो वन माफिया का काम हो, चाहे जे नशा माफिया हो, इसमें सीधी सीधी हिस्सेदारी है इसकी राम कुमार की। रखें आज देखो कैसे हड़दंग मचा रहा था, पहले एसएचओ बदल दिया, जब नेता प्रतिपक्ष ने फेसबुक पर डाला कि इसको क्यों बदला, इसकी जो प्रेम कुमार विजय कुमार की पूरी तो कार्रवाई होने दो, तो आज वो खुद खड़ गया आके एसपी पास। ऐसे नहीं चलेगा, जनता जानती है कि आप दो तरफा चल रहे हैं, आपको एक तरफा ही चलना पड़ेगा, आप ऐसे लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन व राजीव भनोट।